જૂનાગઢમાં ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરતી આંધ્રપ્રદેશની ગેંગના બે શખ્સો ઝડપાયા હતા। જૂનાગઢ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ બંને શખ્સોને દબોચી લીધા હતા। આ ગેંગ અભણ અને વૃદ્ધ લોકોને વિશ્વાસમાં લઈને એટીએમ કાર્ડ બદલીને ચોરી કરીને ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લેતી હતી। આમ પોલીસે વિશ્વાસઘાત કરતી આંધ્રપ્રદેશની આંતરરાજ્ય ગેંગના બે શખ્સોને ઝડપી લઈને 8,28,200 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। गुजरात राज्यना 6 जिल्ला अने अन्य 6 राज्योना मळीने कुल 51 गुनानो भेद जूनागढ़ क्राइम ब्रांचे उकेली दीधो छे। पुलिस के साथ में देखे दो आरोपी को पकड़ा। ये दो आरोपी जो है लगभग 7 स्टेट्स में एंड गुजरात स्टेट में 6 जिले में अलग अलग गुनाह में वांटेड है। जैसे चीटिंग का गुनाह है, फिर गरफोड़ है या चोरी की गुनाह में। इनका हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ा है, साउथ से अभी भी स्टेट सदर्न स्टेट से अभी भी गुनाह की हिस्ट्री आना बाकी है। बट अभी तक ध्यान पे 51 गुनाह आए हैं, जिसमें से 16 एक गुनाह अभी दाखिल हो चुके हैं। तो दो आरोपी का नाम है, एक कृष्णमूर्ति रेड्डपा, दूसरा है मोहन वेंकट। ये दोनों आंध्र प्रदेश के रहवासी है। इनको जूनागढ़ बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में हमने 20 तारीख को एक गुनाह दाखिल किया था, जिसमें एक एटीएम कार्ड जो है एटीएम सेंटर में किसी और का स्वैप करके फिर उसके बाद वो एटीएम यूज़ करके उससे पैसा निकालने का चोरी का गुनाह दाखिल किया, चीटिंग कम चोरी का। इनका लगभग यही एमओ था। ये एमओ से लगभग 51 एक गुनाह दाखिल हुआ, जैसे मैंने बताया था 7 स्टेट्स में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिल।